बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो सब्ज रंग का ये टनल बना हुआ है, छोटी टनल है, इसके अंदर जो चीज़ है वो इंतहाई ख़ास है, क्योंकि अब आगे जो वक्त आने वाला है इसमें ये काश्त होगी। ये इस वक्त पनीरी है गोभी की, इसमें बंद गोभी की भी है, फूल गोभी की भी है। कुछ लोगों ने जो गर्मियों की गोभी लगाई थी वो इस वक्त कट होके बिक चुकी है, लेकिन उसका ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। लेकिन ये जो पनीरी इस वक्त तैयार होती है, ये जब सर्दियों में ये लग के आती है तो बहुत खूबसूरत होती है ये। और ये पनीरी इंशाल्लाह अगले महीने यानी कि 8वें से 9वें महीने में, बल्कि अगला तो 8वां महीना है, 9वें महीने में ये इंशाल्लाह ये लगना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको आगे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये पनीरी कैसे तैयार हो रही है, और उसके बाद जो गर्मियों की इन्होंने काश्त की थी फूल गोभी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस अब तक आ सकें। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये पनीरी गोभी की और गोभी के जो खेत है वो भी दिखाता हूँ। ये जी गोभी के खेत हैं। गोभी एक इंतहाई फ़ायदेमंद फसल है, और आप जब गोभी लगाने वाले जो लोग हैं उनको पता है कि ये फी एकड़ जो है 8 से 9 लाख रुपया भी सीज़न में दे जाती है। तो ये दो सीज़न में लगती है, एक गर्मियों में लगती है, एक सर्दियों में लगती है। तो ये गर्मियों वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद जो है ये टनल पे काश्त की गई है वो सर्दियों में काश्त होगी। तो ये दोनों फसलें हैं और दोनों फ़ायदेमंद है, और ये आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो ये सारी जो आपको नज़र आ रही है ये गोभी की पनीरी है। गोभी की पनीरी के ऊपर और गोभी के खेत के ऊपर मैंने पहले भी की थी, उस वक्त तकरीबन कोई 9वां महीना था, सितंबर थी जिस वक्त ये यहाँ से तैयार हो गई थी और यहाँ से उसको शिफ्ट किया जा रहा था खेतों के अंदर। तो ये भी इंशाल्लाह 9वें महीने तक, एक महीना अभी अगस्त का ये चलेगी अगला, और उसके बाद फिर ये तैयार हो जाएगी। बहुत प्यारा मौसम और बहुत खूबसूरत जगह, और ये मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, और ये सामने मैं आपको फूल गोभी का खेत दिखाता हूँ। ये फूल गोभी गर्मियों की फूल गोभी थी, लेकिन वो इस वक्त वो कट हो चुकी है, कट होकर मंडी में बिक चुकी है। और ये किस तरह ये हुई थी वो अभी ये देखिए, ये सारा खेत जो है ये उसका ही है, लेकिन ये इसमें अब गोभी नहीं है, ये खाली पत्ते हैं जिसको ये अभी काट के ज़ाया कर देंगे, फिर इस ज़मीन को दोबारा तैयार करेंगे, फिर जो ये पनीरी लग रही है तो फिर ये जो है उसमें ये लगाएंगे। गर्मियों की जो होती है वो ज़्यादा खूबसूरत या अच्छी नहीं होती, थोड़ा उसका साइज़ छोटा रह जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है। तो इसमें कुछ लगी हुई है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन ये मेरे ख्याल में सारी ही कट चुकी है। अक्सर जो होती है जो ख़राब हो जाती है उसको ये फिर छोड़ देते हैं। ये देखें, ये गोभी इन्होंने छोड़ दी, क्योंकि ये ज़रा इसका बिल्कुल छोटा रह गया था फूल इसका, और बाकी ये सारा जो आपको खेत नज़र आ रहा है ये गोभी का नज़र आ रहा है, और बाकी आगे के लिए जो है वो यहाँ पर इन्होंने पनीरी लगाई हुई है। पनीरी की जर्मिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है, इसका बीज काफ़ी महंगा होता है। आपको ये दिखाता हूँ मैं, ये देखें जर्मिनेशन बहुत अच्छी है, लेकिन गर्मी से बचाने के लिए इसके ऊपर ये सब्ज़ रंग का कपड़ा भी डाला गया है। इसकी तैयारी के लिए जो है बहुत सारी वो की जाती है कि निगहदाश्त की जाती है, ऐसे तैयार नहीं हो जाती, काफ़ी मेहनत तलब काम है पनीरी का, और ये फिर जाके तैयार होती है। अच्छा, जिस पे टनल नहीं लगाया गया था आपको वो भी दिखा देता हूँ कि जो बग़ैर टनल की थी उसकी ये हालत हो चुकी है। तो इसलिए फुल गर्मियों में और फुल सर्दियों में टनल एक ज़रूरी चीज़ है। टनल से ये होता है कि आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इस पर ये स्प्रे वगैरह जो इन्होंने की है वो सारा उसके निशानात वगैरह मौजूद है, जो ज़मीन इसमें फ्लड की है इन्होंने दवाइयाँ वो भी, और जो इसमें देखें वो नहीं हो सकी, और जो टनल के अंदर है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। ये आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये टनल के अंदर जो है वो माशाल्लाह सारी तैयार है, जितनी भी पनीरी है सारी जर्मिनेशन हो चुकी है।
पनीरी की तैयारी के लिए जो है ज़मीन की जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसको ये जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो यहाँ पर जो है वो इसका जो बेड है वो तकरीबन कोई 2.5 फुट का बेड बनाया गया है। बीच में छोटी एक वो बनाई गई है पानी के लिए, ये देखें, तो जिसको टनल पे किया गया है उसकी जर्मिनेशन हो गई है, जिसको नहीं किया गया था उसकी नहीं हुई। ये एक दिखाने का मकसद ये था कि ये इंतहाई सेंसिटिव चीज़ होती है, बहुत ही इसकी मेहनत करनी पड़ती है फिर जाके ये होती है। और बाकी इसको जब ज़मीन तैयार की जाती है उसके बाद इसमें खाद DAP दी जाती है, फिर उसके बाद इस नरम ज़मीन को के अंदर ये छट्टा कर दिया जाता है। बीज का रेट भी काफ़ी महंगा होता है, ये तकरीबन कोई तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये फ़ी किलो है ये बीज, और हाइब्रिड बीज है इसलिए इसको टनल की ज़रूरत भी होती है। हाइब्रिड बीज हमेशा सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद ये मज़ीद इस पर खाद भी दी जाती है पानी के साथ और स्प्रे भी की जाती है। तो ये इसका तरीक़ेकार था। तो आज की जो वीडियो है वो फूल गोभी के ऊपर है। अक्सर दोस्त कहते रहते हैं यार आप वीडियो बहुत लंबी कर देते हैं, एक बात को बार बार दोहराते हैं, तो मैं आज इज्तनाब कर रहा हूँ कि आपको बार बार कोई चीज़ ना दिखाऊं, टनल के अंदर का सारा वो दिखा दूं, वो आपको नहीं दिखाया। ये देखें इस तरह ये दो दो खेल जो हैं उनके ऊपर ये एक एक इन्होंने ये ग्रीन कलर का कपड़ा आम मिल जाता है ये लेके, उसके बाद ये इन्होंने अंदर जो टनल के यहाँ पर ये सरिये जो हैं वो लगा दिए हैं एक एक खेल के ऊपर उसके दोनों तरफ अतराफ में, और ऊपर ये कपड़ा लगा दिया है, उससे ये टनल बन गई है और इससे गर्मी से ये महफूज रहा है। गर्मी से महफूज रहने की वजह से इसकी जर्मिनेशन हुई है। तो ये था हमारा ये प्रोग्राम आज का। ये जो गोभी इस वक्त कट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो ये गोभी अब ये खेत भी, उससे आगे वाला खेत भी, वो सारे इसी गोभी से के हैं। और ये गोभी इस वक्त कट के ख़त्म हो चुकी है, अब जो ये पनीरी तैयार हो रही है बाद में यही गोभी इसमें लगा दी जाएगी। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त गोभी के खेत में मौजूद हूँ, तो गोभी के खेत के अंदर मैंने आपको दिखाया कि गोभी, गर्मियों की गोभी किस तरह होती है और उसके बाद आने वाली सर्दियों की गोभी के लिए जो इन्होंने पनीरी काश्त की है वो दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। मकसद ये था कि आपको, और दूसरा मैंने एक और चीज़ भी दिखाई है कि जो बग़ैर टनल वाली इन्होंने काश्त की उसका क्या हाल हुआ, और जो टनल में काश्त थी उसका क्या हाल हुआ, वो सारी चीज़ें मकसद समझाने का ही था। लंबी मैंने वीडियो नहीं की ताकि आप दोस्त फिर वो उकता ना जाएँ, बोर ना हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, तो आज की जो वीडियो थी ख़ास तौर पर इसी गोभी के ऊपर थी। तो अब मैं इसी दुआ के साथ ही इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा फरमाए। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि ये जो गोभी की काश्त है ये भी बहुत अच्छी काश्त है, इसमें भी अर्निंग अच्छी हो जाती है। तकरीबन कोई अगर अच्छा खेत लग जाए तो 8 से 9 लाख रुपए इसमें से अर्न हो जाते हैं फी एकड़, और अगर अच्छा ना लगे तो फिर भी 4-5 लाख तो आ ही जाते हैं, मरे मराए भी इसमें से निकल आते हैं। तो आज की जो प्रोग्राम था वो इसी गोभी के हवाले से था। तो मैं अब आपसे इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा फरमाए। तो जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रहमत।